YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बेहतरीन स्टॉक जो कि मैंने आपके लिए ढूंढ कर लाया है। इस शेयर में जब भी गिरावट मिले आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। कंपनी का बिजनेस काफी बेहतरीन है, हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन है। ये स्टॉक्स है रेडिंगटन इंडिया और कंपनी के बिजनेस की बात करें 1993 में एस्टेब्लिश हुई, मतलब उतना पुराना नहीं। मात्र यहाँ पर देख सकते हैं ये 30 ईयर्स पुराना बिजनेस है कंपनी का। और कंपनी का जो बिजनेस है वो 235 इंटरनेशनल ब्रांड के साथ है, जिसमें 37 जो इसका कंपनी का बिजनेस है वो इमर्जिंग मार्केट में है, जो मार्केट लगातार इमर्ज हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इस तरह से जो आईटी सेक्टर है, जैसे ऐप डेवलपमेंट हो गया, तो आईटी सेक्टर के 37 जो है इमर्जिंग कंपनियां और साथ साथ अलग सेक्टर के भी जो कंपनियां हैं उसमें से कुल मिलाकर 37 इमर्जिंग मार्केट की कंपनियां है उसके साथ टाइप है। और ये कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोडक्ट को सील करती है। ये कंपनी का जो सफर है एक ब्रांड से, एक प्रोडक्ट से तो 235 ब्रांड तक पहुंच चुका है। तो काफी डाइवर्सिफाइड कंपनी का बिजनेस है। और मार्केट कैप की बात करें 11,000 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है, मतलब एक मिड साइज कंपनी है, मिड साइज में भी छोटी साइज की कंपनी। और यहां पर डिविडेंड 2.63% का, तो डिविडेंड भी काफी शानदार। लेकिन यहां पर कोई प्रमोटर्स होल्डिंग नहीं है, मतलब पूरी तरह से एक पब्लिक कंपनी है, पूरी तरह से इसमें होल्डिंग है। अगर बात करें होल्डिंग का तो वो पब्लिक की होल्डिंग है। और यहाँ पर FIH का स्टेक काफी ज्यादा है 41%, DIH का स्टेक 15.93%। यहाँ पर FIH का जो स्टेक है जो कि लगातार बढ़ रहा है उसको एज ए आप प्रमोटर्स होल्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा 2021 के सितंबर में डिक्रीज हुआ है, लेकिन ओवरऑल काफी अच्छा है इसमें FIH का स्टेक। अब यहाँ पर बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.2%, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4%। और यहाँ पर जो कंपनी में कोई शेयर प्लेज नहीं है क्योंकि प्रमोटर्स है ही नहीं। तो अगर आप विदाउट प्रमोटर्स वाले स्टॉक में नहीं जाना चाहते तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई सारे बेहतरीन स्टॉक हैं जो कि बिना प्रमोटर्स के हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं और जो काफी अच्छे स्टॉक्स भी हैं। अब बात करें यहाँ पर डेट टू इक्विटी का 0.13 डेट टू इक्विटी है और टोटल डेट की बात करें 622 करोड़ का है, जबकि रिजर्व जो है 4,856 करोड़ का है। तो रिजर्व काफी अच्छा है कंपनी का और पूरी तरह से पब्लिक कंपनी है, मतलब हम लोगों की कंपनी है, तो कोई प्रमोटर्स है ही नहीं कंपनी में। नेट प्रॉफिट की बात करें 1,036 करोड़ का है। अगर टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, देखिए यहाँ पर कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ है 2010 में 13,000 करोड़ का सेल्स था, जो कि बढ़कर के यहाँ पर हो चुका है मार्च 2021 में 56,000 करोड़ का। तो लगातार सेल्स यहाँ इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट की बात करें 184 करोड़ का है और यहाँ पर बढ़कर हो चुका है यहाँ पर देखिए 756 करोड़ का। तो 2021 में तो बॉटम लाइन और टॉप लाइन ग्रोथ काफी जबरदस्त है। तो यहाँ पर बॉटम लाइन कहते हैं नेट प्रॉफिट के ग्रोथ को, टॉप लाइन कहते हैं जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ होता है। अब देखिए आप बैलेंस शीट की बात करें तो जो शेयर कैपिटल है मात्र 78 करोड़ का है, शेयर कैपिटल में कोई खास चेंज नहीं है। रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर रिजर्व जो है काफी बड़ा है कंपनी का और 2021 में उसका 4,856 करोड़ का। और अगर आप डेट की बात करें तो 2021 में काफी ज्यादा डेट कम हुआ है, मात्र 622 करोड़ का। तो यहाँ पर डेट काफी कम हुआ है, तो डेट काफी ज्यादा कम होने के कारण कंपनी काफी बेहतर हो चुकी है, क्योंकि ऑलमोस्ट डेट फ्री की ओर जा चुकी है कंपनी। तो मात्र कुछ ही डेट है जो कि कंपनी आसानी से रिमूव कर सकती है। और कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से काफी इंप्रूव हुआ है, काफी जबरदस्त यहाँ कैश फ्लो इंक्रीज हुआ है 2021 में। इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर का हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इसमें प्रमोटर्स का कोई स्टेक नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, HDFC बैंक, HDFC ग्रुप की जितनी भी कंपनियां, उसमें कोई प्रमोटर्स का स्टेक नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर का कोई स्टेक नहीं है, उसके बावजूद हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो कि काफी अच्छा रिटर्न भी दिया है। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपको ये स्टॉक्स काफी बेहतर है। अगर आपको गिरावट मिलता है, जब भी गिरावट के बाद रिवर्सल का साइन मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम चार्ट की बात करते हैं, देखिए गिरावट में स्टॉक्स मात्र मिल रहा था 30 रुपीज पर, और यहाँ पर देखिए 30 रुपीज से स्टॉक वन साइड मोमेंटम किया और यहाँ पर हाई बनाया 178 रुपीज का। तो इतना बेहतर ये परफॉर्म किया है इस स्टॉक ने चार्ट पे, तो जो कि काफी बेहतर है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें
तो यहाँ पर देख लीजिए कितना परसेंट का यहाँ पर रिटर्न दिया 2020 के गिरावट से 483% का रिटर्न गिरावट से। तो काफी जबरदस्त ये स्टॉक्स है, ऐसे ही जबरदस्त स्टॉक्स में आपको गिरावट में इन्वेस्ट करना चाहिए जब भी गिरावट मिल रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्टॉक्स है यहाँ पर जो सपोर्ट रीजन बना रखा है वो है 139 का, 139 ये जो है 135 ये रीजन जो है इसका सपोर्ट रीजन है, और वहीं इसका ऊपर जो है रेसिस्टेंस रीजन है वो है 156। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम बुलिश हो जाएंगे, अगर सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट है वहां पर 100 रुपीज का, जो कि काफी नीचे है। तो अगर 100 रुपीज के आसपास आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको इसमें SIP स्टार्ट कर देनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करते हैं, देखिए ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में आपको धीरे धीरे रिटर्न देगा, लेकिन काफी बेहतर रिटर्न देगा। कंपनी का बिजनेस काफी अच्छा है और आपको हमने ग्रोथ भी दिखाया कि सेल्स लगातार ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट कंपनी का लगातार ग्रो हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक में निवेश कीजिए और काफी अच्छा आप इसमें प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए, और ऐसे ही एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।